नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनुवाणी 1920 में। और रोज की तरह मैं मनु हाजिर हूँ आपके सपनों की समस्याओं का हल लेकर। दोस्तों, सपनों की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि सपने में यदि कोई व्यक्ति खुद को कुश्ती लड़ते हुए देखे तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, यह एक खेल है जो कि भारत में अक्सर खेला जाता है। ये तो ग्रामीण क्षेत्र से शुरुआत है लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। दोस्तों, यह चीज़ हम अपने वास्तविक जीवन में देखते रहते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपको सपने के माध्यम से ऐसा दिखाई पड़े कि आप स्वयं कुश्ती लड़ रहे हैं, या किसी स्त्री ने सपने को देखा हो या किसी पुरुष ने देखा हो। तो इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है, ये जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय स्वप्न विज्ञान में ऐसा बताया गया है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने सपने में खुद को कुश्ती लड़ते हुए देखा है तो यह सपना देखने वाले व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होता है। दोस्तों, सपने में खुद को कुश्ती लड़ते हुए देखना एक अशुभ सपना है। दोस्तों, यह सपना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाले समय में आपको धन हानि हो सकती है, यानी कि आपको जो है किसी ऐसे काम में आप अपना धन लगा सकते हैं जहाँ से आपका पैसा डूब सकता है, या कहीं पर और किसी माध्यम से आपको धन की हानि हो सकती है, यानी कि आपको आर्थिक नुकसान होने वाला है। साथ ही साथ भविष्य में आपको धन संबंधी समस्याओं से जूझना भी पड़ सकता है, यानी कि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, यदि आपने सपने में खुद को कुश्ती लड़ते हुए देखा है तो आपको अपना पैसा सोच समझ कर कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको सोच समझ कर खर्चा भी करना चाहिए जिससे कि भविष्य में आने वाली धन संबंधी समस्याओं से बचा जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र ही आप तक पहुंच सके। और मित्रों, यदि आपके मन में कोई और प्रश्न है, आप किसी ने सपने का मतलब जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम आपके द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर भी शीघ्र ही देंगे। जय श्री राधे मित्रों, ईश्वर आप सबका कल्याण करें।